नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल उत्तर प्रदेश के मैंने भौगोलिक, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी रहने वाली है इस बारे में बता दिया था। और मैंने कमिटमेंट किया था कि हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अन्य पार्ट, आज मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में बात करूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है, इसका प्रतिशत क्या है, और कौन सा जिला की स्थिति क्या है, कौन सा जनसंख्या जैसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ एसटी अधिक है, कहाँ एससी अधिक है, साक्षरता दर किस जिले की है, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके बाद मैं शिक्षा पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी शैक्षिक स्थिति, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थान कितने हैं, कहाँ कहाँ है, केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, विश्वविद्यालय कितने हैं, शिक्षा व संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएं, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, कौन सी पत्रिका कहां से निकाली जाती है, और उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, कला संस्कृति, जिसमें सांस्कृतिक विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य शैली, उत्तर प्रदेश का लोक संगीत, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत कथक किस घराने से है, लोक नृत्य, लोक नाट, प्रमुख मेले जैसे नौचंदी मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला, ऊंट मेला, प्रमुख महोत्सव सुलह कुल राम बारात, इस प्रकार के क्वेश्चन ये मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, उससे अगले जो टॉपिक है मेरे, उत्तर प्रदेश में मात्र एक पार्ट रह जाता है, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, ये मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तथा नेक्स्ट जो विषय मेरा रह रहा है हिंदी, और हिंदी में सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वर्णमाला तथा वर्णों को व्यवस्थित करना। इनमें एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों को बहुत कम मिल पाता है पुस्तकों में, वर्णों को व्यवस्थित करवाना। जैसे वो पूछ देता है राम कमल अमन में पहले कौन आएगा, तो अगर हम हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो ए पहले आता है, फिर ए के बाद अगर एक और ए है या बी, ऐसे करके ऐसे हिंदी में भी पूछता है। तो ये मैं नेक्स्ट वक्त में पढ़ा जा रहा हूं। और एक स्टूडेंट आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, कहा था कि सर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी पढ़ाने की कम रखा करें, मैंने माना है, मैं आप लोगों को आज स्लो भी पढ़ाऊंगा, और ये मेरी मजबूरी रहती है क्योंकि मुझे बहुत अधिक पढ़ाना होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों, कुछ बच्चों का कुछ छूट जाता है तो वो कतई चिंतित ना हो, मैं जो भी क्लास पढ़ाया करूंगा उसकी एक पीडीएफ अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। फिलहाल अपनी कॉपी पेन के साथ उपस्थित हो जाइए, आते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में वो पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम जनसंख्या देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998-12-343, ये भी आगे बोल दूंगा। मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भारत से लेकर के चलता हूं कि भारत की स्थिति क्या है। अगर हम जनसंख्या में भारत को देखें तो भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या लगभग में, भारत की कुल जनसंख्या लगभग में हो गई है, अब तो 135 करोड़, 130 करोड़, 125 करोड़ ऐसे करके सुनते हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है वो है 121.08 करोड़। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा, और ये विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी विश्व में अगर हम कुल जनसंख्या देखें तो ये घेरता है लगभग 17.5%, यानी भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ 2011 के अनुसार है। और अगर पूछ दे कि कुल विश्व की जनसंख्या की कितना, 17.5%। एक चीज और देखें, अगर हम यहां क्षेत्रफल की दृष्टि देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सातवां, और कुल विश्व का क्षेत्रफल 2.4%। देखिए समस्या की जड़, जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें, कुल क्षेत्रफल मिला है हमें 2.4% और यहां जनसंख्या निवास करती है 17.5%। और अगर हम यही उत्तर प्रदेश में देखें, कॉपी पेन साथ में रखें और लिखते चले बेटा, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998-12-341
98 12 341। ये डिजिट बाइट याद करें, ऐसे ना करो लाख ऐसे करके याद ना करें, 19 98 12 341। और अगर हम देखें ये कुल भारत का कितने प्रतिशत गिरता है, 16.52%। लगभग में ये उत्तर प्रदेश, भारत की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 16.5% तो मात्र उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर हम यहां, अगर क्वेश्चन इतना सरल नहीं पूछा उसने, तो पूछ देगा पुरुष जनसंख्या क्या है, पुरुष जनसंख्या डिवाइड करके पूछता है, थोड़ा पेपर अब टपली बनेंगे। तो पुरुष जनसंख्या होती है 10 44 80 510, 10 44 80 510। आप लोग नोट भी करते चले और ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा, जो कि रहता है भारत के कुल 52.29%। अगर वो महिला पूछ दे, उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या, महिला जनसंख्या को भी लिख लीजिए 9533183153 9531 8031। महिलाएं कम है, यदि आपकी पुरुष, यदि आपकी महिला जनसंख्या और भारत की कुल महिला प्रतिशत का 47.71%। प्रत्येक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। ऐसे अगर वो पूछ दे ग्रामीण संख्या, ग्रामीण संख्या सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन हमारे यहां निवास करती है, तो ग्रामीण संख्या में हमारा स्थान पहला, और पहले की दृष्टि से हमारे यहां होती है 18.63%। 18.63% ग्रामीण संख्या उत्तर प्रदेश में। शहरी अगर देखें हम, शहरी संख्या माने शहरी जनसंख्या हमारे यहां कितनी है, कितना प्रतिशत है, तो महाराष्ट्र के बाद दूसरा, यानी सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद दूसरा। और अगर वो पूछते कि कितना प्रतिशत निवास, 11.79% शहरी संख्या उत्तर प्रदेश में, और उत्तर शहरी जनसंख्या में सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र। इसके बाद में पूछ देता है कि पिछले 10 वर्षों में 10 की वृद्धि दर के स्थान से उत्तर प्रदेश का कैमा स्थान रहा। नोट कर लीजिए, 10 की वृद्धि में उत्तर प्रदेश का स्थान, 10 की वृद्धि में यूपी, तो डैश करके लिख लीजिए 15वां स्थान 10 की में। और अगर मैं पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में औसत घनत्व तो क्या है, यूपी का औसत घनत्व, औसत घनत्व का मतलब होता है प्रति एक किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, एक किलोमीटर में 829 व्यक्ति। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का भारत में 9वें स्थान पर है। अगर वो पूछ दे लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात क्या है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो लिंगानुपात हमारे यहां 912 प्रति एक, 912 महिला प्रति 1000 पुरुष, इस प्रकार से। और इस दृष्टि से हमारा स्थान 26वां। यह जरूर याद करते चले कि हमारा स्थान कैमा है। इसके बाद में पूछ देता है साक्षरता दर क्या है, यूपी की साक्षरता, यूपी अगर हम साक्षरता की दृष्टि देखें तो 67.72 67.72% प्रतिशत
और 29वां स्थान, साक्षरता की दृष्टि से 29वां स्थान। अगर उसने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे तो वो जिले पे आधारित क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे वो पूछ सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, लेकिन सर कौन सी उत्तर प्रदेश का पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, अब सॉरी प्रयागराज, प्रयागराज। और अगर वो पूछ दे कि सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि महोबा, महोबा। ऐसे पूछ देगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो नोट कर लीजिएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद। और अगर मैं पूछ दे सबसे कम ललितपुर, सबसे कम ललितपुर। ऐसे ही वो पूछ देगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, अगर वो साक्षरता पे पूछता है गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम श्रावस्ती, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती। अगर शहरी पे पूछे तो गाजियाबाद सबसे बड़ा और श्रावस्ती सबसे छोटा। ऐसे पूछे देश में सर्वाधिक एससी, एससी में देश में भी क्वेश्चन पूछेगा वो, सबसे ज्यादा एससी किस जिले राज्य में रहती है, उत्तर प्रदेश, कुल 16.6%। अगर वो पूछे देश में एससी तो यूपी का पहला स्थान, पहला स्थान, और भारत की कुल शेड्यूल कास्ट का 16.6%, 16.6% उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी सबसे बड़ा एससी का सबसे बड़ा जिला सीतापुर, और एससी सबसे कम जिला बागपत, सीतापुर और बागपत। अब यही एक नोट कर लीजिएगा एससी प्रतिशत में सर्वाधिक जिला, अगर प्रतिशत पूछ दे तो कौशाम्बी, और सबसे अधिक एससी सीतापुर, एससी एसटी पूछ दे सर्वाधिक एसटी किस जिले में, सोनभद्र में, और सबसे कम एसटी बागपत में। लगभग मैं इतने ही क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ी सी स्थिति में उत्तर प्रदेश की शिक्षा से देखना चाहूंगा, वहीं आप लोग थोड़े से मोटे पेन से या डिफरेंट कलर के पेन से सेंटर में बना सकते हैं शिक्षा। आज हम शिक्षा की दृश्य भी उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, शिक्षा की दृश्य वो पहला। हाँ सॉरी, बच्चों ने पूछा था कि सर कमेंट आ रहे हैं कि सर ये रिकॉर्ड कहां से लिया जाता है, तो रिकॉर्ड की दृश्य हम बता दें, ये जो मैं आंकड़े पढ़ा रहा था शिक्षा के, ये 2011 जो 2011 में हुई थी, ये भारत की 15वीं जनसंख्या जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं, इसका मतलब है पहली जनगणना कब हुई, पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो ने, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं ताकि उन पर प्रशासन कैसे किया जाए। लेकिन इसके बाद आया लॉर्ड रिपन 1881, इसने पहली बार दसवीं जनगणना, दसवीं जनगणना का मतलब होता है प्रत्येक 10 साल में, और अभी होती भी आ रही है, तो ये दूसरी भारत की जनगणना थी, पहली थी 1872 मेयो, दूसरी लॉर्ड रिपन 1881, लेकिन पहली दसवीं जनगणना 1881 यही रिपन वाली। इसके बाद में अंग्रेजों के शासन काल में हमने मात्र 8 बार जनगणना करवाई, और जब हम 1951 में पहुंचे तो स्वतंत्रता के बाद ये पहली जनगणना थी, लेकिन टोटल 9वीं जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में और ये थी 9वीं जनगणना। इसके बाद में 2011 पे क्वेश्चन पूछ देता है, 2011 में 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। इसके बाद में देखते हैं थोड़ी सी शिक्षा, शिक्षा में वो पहला क्वेश्चन यही से बना देगा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई, यूपी में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1972, और इसी समय 1972 में हुई थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय 1972 और ये दोनों ही आपके प्रयागराज में, इनके मुख्यालय प्रयागराज। ऐसे में अगला क्वेश्चन बना देगा, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? तो 1881 इलाहाबाद, 1881 इलाहाबाद और निकल जाता प्रयागराज। इसके बाद आप पूछेगा राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय, यूपी में कुल केंद्रीय विद्यालय, यूपी में कुल केंद्रीय विद्यालय 6। अगर कुल पूछ दे 6, इन्हें डिवाइड करते 4+1+1, ये 4 है सामान्य शिक्षा से संबंधित, एक है आपका कृषि विद्यालय, कृषि विद्यालय, और एक है आपका विमानन, विमानन। इसके बाद में यहां से पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय डीम्ड विद्यालय कितने हैं? अगर वो पूछ दे डीम्ड विद्यालय, डीम्ड विद्यालय, डीम्ड विद्यालयों की संख्या 4, केंद्रीय राजकीय विद्यालय 19, केंद्रीय डीम्ड विद्यालय 4, राजकीय विद्यालय 19, केंद्रीय डीम्ड कृषि विद्यालय, कृषि डीम्ड विद्यालय 3। यानी अगर डीम्ड विद्यालय पूछे तो 4 और कृषि डीम्ड विद्यालय पूछे तो 3। अगला जो रिकॉर्डेड क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद, और अगर वो पूछ दे एशिया का सबसे बड़ा अथवा भारत का, जब एशिया का तो भारत का ही हो जाएगा, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU, आवासीय विश्वविद्यालय BHU। फिर वो पूछ देता है कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं, कौन सा पत्र कैसा है, दैनिक है, पाक्षिक है, या फिर साप्ताहिक है, अथवा वो कहां से निकाला जाता है? तो इसमें वो पूछ देगा गांडीव, ऐसे लिखेंगे, ये पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, दैनिक, जैसे आपका दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला हुआ, आज हुआ, ये दैनिक होते हैं। इनमें अब इतने सरल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गांडीव, गांडीव, गांडीव निकाला जाता है वाराणसी से, वाराणसी से। ऐसे ही तरुण भारत लखनऊ, तरुण भारत लखनऊ से। अगर वो पूछ दे दमदम, दमदम कानपुर, दमदम कानपुर, हिंदी दैनिक गोरखपुर, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हमने पुस्तकों में भी नहीं देखे, तो मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा कि आपको हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश से कम जो 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक, वो आपको कहीं रटने ना पड़े, कहीं दिमाग ना लगाना पड़े, आपको इतने सरल तरीके से पढ़ाऊंगा कि बस आप अपने मन से वीडियो को देखते रहिए, इस पर थोड़ा बहुत वर्क करते रहिए, इतने सरल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और आप तुरंत उस पर टिक कर देंगे, ये तो मैंने सभी क्लास में देखा हुआ था। इसके बाद हम पूछ देगा साप्ताहिक, साप्ताहिक का मतलब है सप्ताह में, सप्ताह से निकलने वाला, और कहां से निकलता है? तो साप्ताहिक में 2 पूछे जाते हैं, एक नया भारत, दूसरा कोटज। नया भारत लखनऊ से, कोटज बलिया से। कभी कभी वो पाक्षिक पूछ देता है जो 15 दिन में निकाले जाते हैं, तो इनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मैनपुरी से प्रकाशित होने वाला निर्माण, निर्माण डैश मैनपुरी, और एक छपता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज, यह भी पत्र का नाम है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज, इसका प्रकाशन लखनऊ से उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशक सूचना विभाग करता है, ऐसे लिखेंगे पंचायत राज पत्र डैश करके लखनऊ से निदेशक सूचना विभाग। इसके बाद में वो कुछ बाल पत्रिकाएं पूछता है, बाल पत्र एवं पत्रिकाएं, इनमें देखो 2-3 पूछते हैं, जैसे विज्ञान लोक आगरा से, विज्ञान लोक आगरा, विज्ञान लोक आगरा, बाल दर्शन कानपुर, बाल दर्शन कानपुर, और एक और पूछता है अच्छे भैया, अच्छे भैया प्रकाशित होती है प्रयागराज से, अच्छे भैया प्रयागराज। कभी कभी क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ये भारत में ही बनता है, बड़ी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में सब चाहता है, MDM मिड डे मिल, मध्यान्ह अवकाश भोजन, ये कौन सा कार्यक्रम है? हमारा देश ज्यादातर गरीबी से गुजर रहा है, तो यहाँ मजदूर वर्ग के, कृषि वर्ग के बच्चे हैं
जिनको भोजन टाइम पे नहीं मिल पाता, और अगर समय से भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा। विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल थी कि बच्चों को भोजन विद्यालय में ही दिया जाए, जिसके लिए बनाया गया MDM। ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त जब मिला तो उसके तहत 2011 में उत्तर प्रदेश में, अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में ये कब आया, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 में उस समय 38 जिलों में ये जारी किया गया था, और अगले 96 में ये पूरे उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया। पहले 3 किलोग्राम माता पिता के राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता था खाद्यान्न, जिसमें गेहूं चावल होता था, लेकिन बाद में 11वीं योजना में ये उच्च प्राथमिक में भी दे दिया गया तथा विद्यालय में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की जाने लगी। इसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं कला संस्कृति, इसको साफ कर लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक, कला संस्कृति। कला संस्कृति यहां तो शॉर्ट में रखूंगा, भारत की कला संस्कृति में पूरे भारत के बारे में, भारत कैसे पहचाना जाता है। आज हम फिलहाल बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से हमारा क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई। सांस्कृतिक विभाग जो संस्कृति की देखरेख करता है 1957 में, सांस्कृतिक विभाग की 1957 में मुख्यालय लखनऊ। इसके बाद वो पूछ देता है उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभ, आज हम जो मंदिर देखते हैं इन मंदिर के निर्माण किस शासक की शैली से मिलते हैं, सबसे पहले किस शासक पर आधारित मंदिर निर्माण बने, तो गुप्त शैली में, गुप्त शैली में। यह था कि प्राचीन मंदिर किस शैली पर आधारित होते थे, गुप्त शैली में। फिर आता है, फिर वो पूछ देता है कि मध्ययुग में बेटा दो शैलियां आई, एक थी सरकी शैली और दूसरी थी मुगल शैली, जिसमें सिर्फ मंदिर नहीं स्थापत्य कला, जिसमें मुगल शैली पे तो सभी जानते हैं आगरा ताजमहल, यानी आगरा का ताजमहल जो इमारत है वो किस स्थापत्य शैली से बना है, मुगल शैली। ऐसी पूछ दे अगर सरकी शैली तो जौनपुर अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद। ऐसे अगर मैं पूछ दे कि वर्तमान में कौन सी शैली है, वर्तमान में चल रही है स्थापत्य कला की लखनऊ शैली, और इस पर आधारित एक इमारत मुझे याद आ रहा है, बड़ा इमाम बाड़ा। इसके बाद में पूछ देता है कि ध्रुपद धमार राग का जनक स्वामी हरिदास। अगले जब वो क्वेश्चन शामिल करेगा वो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का लोक संगीत की स्थिति क्या है। अगर हम उत्तर प्रदेश का लोक संगीत देखें तो लोक संगीत में वो पूछ देता है, सबसे ज्यादा पूछा था कजरी और झूला। अगर हम इन दोनों की बात करें, ये मुख्यतः पूर्वांचल में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अलग से कभी कभी कजरी पूछ देता है कि सर कजरी देखने को कहां मिलता है, ये मिर्जापुर वाराणसी। अगर वो पूछे कजरी तो मिर्जापुर वाराणसी, या तो ऑप्शन में मिर्जापुर नहीं तो वाराणसी, और वो पूछे कि कजरी और झूला ये किस क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल के। अगर वो कजरी झूला से नहीं पूछता है तो आला बुंदेलखंड। स्वांग का मतलब होता है उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में जब लड़की की बारात जाती है तो शाम को जो महिलाएं नृत्य या गायन करती है वो स्वांग रहता है। पश्चिमी क्षेत्र में हाँ, हमारे यहाँ की लड़कियां जानी होगी कि इसको दूसरा नाम क्या देते हैं। इसके बाद आप पूछ देगा शास्त्रीय नृत्य की बात करें
तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, और कथक को लखनऊ तथा बनारस घराने द्वारा, लखनऊ तथा बनारस घराने द्वारा इसे ख्याति दिलवाई गई। अब मुझे कथक से याद आ रहा है यह तो शास्त्रीय नृत्य है, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक क्वेश्चन तुमसे शास्त्रीय नृत्य ना बने। कभी कभी तो यही पूछ देता था कि पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो अभी तक आप लोगों ने पुस्तकों में शास्त्रीय नृत्य 6 पढ़े होंगे। लेकिन अगर वो पूछ दे इस प्रकार से कि संगीत नाटक अकेडमी कितने शास्त्रीय नृत्यों को मानती है, अगर संगीत नाटक अकेडमी द्वारा देखा जाए तो 8, जिनमें मोहिनी अट्टम तथा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी एक भरतनाट्यम तमिलनाडु, दूसरा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तीसरा मोहिनी अट्टम, चौथा कथकली केरल, ओडिशी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, शास्त्रीय यानी सत्रीय असम तथा कथक यूपी। तो एक हो गया जो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा है वो गिन लीजिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम कथकली केरला, ओडिशी उड़ीसा 5, छठवां मणिपुरी मणिपुर, सातवां सत्रीय असम, आठवां कथक उत्तर प्रदेश। तथा अगर वो पूछ दे कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने कितने शास्त्रीय नृत्य माने हैं, तो इसके अनुसार एक और मान लेता है वो 6 को, तो 9, 6 9 मान। इसके बाद में पूछ देगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, अभी शास्त्रीय नृत्य था, अब वो पूछ देगा लोक नृत्य। लोक नृत्यों में खयाल, सोरा, दीप नृत्य, खयाल सोरा दीप नृत्य, ये चरकुला की तरह है, थाली में दीपक को रख के महिलाएं नृत्य करती हैं, ये बुंदेलखंड की है, बुंदेलखंड। ऐसे ही चरकुला, घड़ा, लठमार ब्रज क्षेत्र का, चरकुला घड़ा लठमार, लठमार होली तो समझ जाते हैं, ये चरकुला में रथ के पहिए के चारों ओर दीपक रख के महिलाएं नृत्य करती हैं, ये ब्रज क्षेत्र है। ऐसे ही पासी पूर्वांचल, कर्मा मिर्जापुर, कर्मा का हाईलाइट कर लीजिएगा, कर्मा मिर्जापुर। इसके बाद में वो पूछ देगा कभी कभी जोगनी अवध, जोगनी अवध, और एक पूछता है छोलिया, छोलिया ये उत्तर प्रदेश की राजपूत जाति, राजपूत जाति, और ये ढाल तलवार के साथ नृत्य किया था, ढाल और तलवार के साथ। इसके बाद में यूपी का लोकनाट्य, लोकनाट्य सबसे पहले तो यही देख लीजिए लोकनाट्य होता क्या है, देखो नाट में फोकस, नाट का मतलब अभिनय, स्टेज पर अभिनय करके जो किए जाते हैं नृत्य, वो कौन कौन से नाट्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 फेमस है, रामलीला, रासलीला और नौटंकी, जिसमें नौटंकी रहता है आपका कानपुर क्षेत्र में, राम रासलीला रहता है आपके ब्रज क्षेत्र में, ब्रज के तरफ, और ये अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में। इसके बाद पूछ देता उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, थोड़े मेले पर बोल रहे, जैसे वो पूछ देगा, सभी लोग हेडलाइन बना लेंगे उत्तर प्रदेश के मेले, और इनमें वो सबसे पहले पूछ देता है ऊंट मेला, ऊंट मेला, ऊंट मेला ये लगता है आगरा, बटेश्वर, बटेश्वर स्थान है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आगरा। ऐसे ही वो पूछ देगा नौचंदी मेला, ये कई बार पूछ चुका है नौचंदी मेला मेरठ, इस बार वो पूछेगा नौचंदी मेला किस माह में लगता है, चैत्र माह में, चैत्र माह में। इसके बाद में पूछ देगा गढ़मुक्तेश्वर मेला, कार्तिक की पूर्णिमा हापुड़, देवा शरीफ मेला कार्तिक माह में बाराबंकी, सैयद सालार मेला बहराइच, खारी जल्लू बिजनौर,
दो दो मेले हमारे यहां परिक्रमा के लगते हैं, जैसे कार्तिक परिक्रमा अयोध्या, कार्तिक परिक्रमा ये अयोध्या में, अयोध्या। और अगर कार्तिक परिक्रमा ना पूछे तो पूछ देगा फाल्गुन परिक्रमा, फाल्गुन परिक्रमा। तो ये नैमी सारणी सीतापुर, नैमी सारणी सीतापुर ये भी मिल रही है। और ऐसे ही वो पूछ देगा बल सुंदरी मेला बुलंदशहर, कजरी महोत्सव या कजरी मेला महोबा, रथ यात्रा वाराणसी, खिचड़ी मेला गोरखपुर, सोरों कासगंज। इसके बाद में वो कुछ पूछ देगा महोत्सव, महोत्सव ऐसे अगर पूछ दे सुलहकुल, सुलहकुल सुलहकुल आगरा, सुलहकुल आगरा, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया जाता है और इसी पर आधारित एक एक सप्ताह भी बनाते हैं, कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर। कहता ये ना देखें कि सुलहकुल लगता है, नो, ये मनाया जाता है कौमी एकता सप्ताह। इसके बाद में रामबारात आगरा, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा, कामपिल उत्सव फरकाबाद, अमीर खुसरो उत्सव पटियाली, इस प्रकार के कुछ वो मेले पूछ देगा। शेष इसकी सिर्फ प्रजाति उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजना है, ये मैं अपने टॉपिक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।